सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद सूबे में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला कटिहार के रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव का है, जहां रफ्तार के कहर ने एक व्यक्ति की जान ले ली, जबकि दो अन्य जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह हादसा उस समय हुआ जब पूर्णिया की ओर से आ रही तेज रफ्तार ऑटो बगल से गुजर रहे बाइक सवार से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो पर सवार रामकिशन शर्मा सड़क पर जा गिरे, और जब तक रामकिशन संभल पाते, पीछे से आ रही तेज रफ्तार हाईवे के चपेट में आने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। ये बुलेट और ऑटो का भिड़ंत हुआ, जिसमें कि जो ऑटो सवार जो था, जो डेथ हुआ, वो साइड में गिरा, और जो हाईवा जो है DDL कंपनी जो कि अभी हाईवे बना रहा है नारायणपुर और पूर्णिया फोर लेन का, वो हाईवा जो वहाँ पे मौजूद आदमी बताया कि स्पीड में तेज रफ्तार हाईवा जो गुजरा, उसी से जो है रामकिशन शर्मा का मौत हो गया, उसका गले पे सिर पे चढ़ने के कारण चक्का जड़ गया। हाँ, वहाँ पे जो परिजन, हम लोग जब पता चला, हम लोग जब आए परिजन बन के, तो वहाँ पे जो स्थानीय ग्रामीण था, उन्होंने बताया कि दोनों का जो भिड़ंत हुआ, उस पर जो है गिरने के कारण पीछे से हवा आके अनियंत्रित हवा आके उस पर चढ़ा के चले गया सिर पे। मोटरसाइकिल सवार थे वो, किधर से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? ये मोटरसाइकिल सवार पूर्णिया से, कटिहार से पूर्णिया की ओर जा रहे थे, और टेम्पू सवार पूर्णिया से कटिहार की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कहाँ पे दोनों का भिड़ंत के बाद हवा चढ़ा गई, गोविंदपुर चौक पलटनिया रजवाड़ा के पास हुआ घटना। मृतक व्यक्ति का नाम रामकिशन शर्मा है, चांदी कठवा का रहने वाला है। कितना उम्र होगा? उम्र 45। घर जा रहे थे? ये कटिहार आ रहे थे किसी को लेने के लिए, ट्रेन से उतरता उसी को लेने के लिए आ रहे थे, अपना साले साहब को टेम्पू से। वो कहाँ के रहने वाले, क्या नाम है उनका? एक रहने वाले हैं खाताहाट का, एक भठेली का। एक का नाम है निशारुल हक, पिता अनवारुल हक, और भठेली का है वो सौरभ, उसका पिता का नाम तो हमको याद नहीं है। अच्छा, किशोर नाम। और कैसे क्या घटना घटा, कुछ जानकारी है? वो हम लोगों को ये पता चला, हम लोगों को सही जानकारी नहीं है, अभी हम लोग आए हैं तो पता चला कि ये लोग का बाइक और टेम्पू में टक्कर हुआ है इसी वजह से। फिलहाल दोनों घायलों का इलाज कटिहार सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल दोनों युवक कटिहार से मार्केटिंग करके वापस पूर्णिया की ओर लौट रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल भेज मामले की अनुसंधान शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।